प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी कक्षा 8 की संस्कृत के पहले पाठ सुभाषितानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, पाठे दतानाम पदानाम सस्वरवाचनम कुरु। तो बच्चों, पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो बच्चों, इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उनको आपको बोल कर देखना है, ठीक है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, आपको इन श्लोकों को बोलना है ताकि आपको श्लोक बोलने आ जाए। प्रश्न दूसरा है, श्लोकाम शेषु रिक स्थानानी पूर्यत। श्लोकों के अंशों में रिक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बच्चों, तो जो लाल रंग के लिखे हुए बच्चों, ये हमने रिक्त स्थान में फिल किए हैं। समुद्र मासाद, तो यहाँ पर आएगा बच्चों भवंत्या पिया। दूसरा है बच्चों, श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजंती, इसमें आएगा बच्चों श्रुत्वा। तीसरा है, तद्भाग देयम परमम पशु नाम, तो यहाँ पर आएगा बच्चों परमम। अगला रिक्त स्थान है बच्चों, विद्या फलम व्यस्नील कृपणस्य सौख्यम। अगला है बच्चों, पोरुषम विहाय यह देवम अवलंबते, तो यहाँ पर आएगा बच्चों देवम। और अगला रिक्त स्थान है बच्चों, चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, तो यहाँ आएगा बच्चों आदावेव। तो ये थे बच्चों आपके रिक्त स्थान। बच्चों प्रश्न तीसरा है, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो बच्चों, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। प्रश्न है, व्यसनिना किम नश्यन्ति, तो बच्चों इसका उत्तर है विद्या फलम, क्योंकि हमें एक ही शब्द में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है बच्चों, कस्य यशम नश्यति, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों लुब्धस्य। अगला है, मधुमक्षिका किम जनयति, तो यह आएगा बच्चों माधुर्यम यानी शहद। मधुमक्षिका होती है बच्चों मधुमक्खी। और अगला है, मधुर सुक्त रसम के सृजयंती, तो यह आएगा बच्चों संतः। अगला प्रश्न है बच्चों, अर्थिन केभ्य विमुखा नायान्ति, इसका आएगा बच्चों वृक्षेभ्य। प्रश्न चौथा है बच्चों, अधो लिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमसे तद्भव शब्द पूछे गए हैं संस्कृत में। कंजूस, तो बच्चों कंजूस का तद्भव होगा संस्कृत में कृपणा। और कड़वा का होगा बच्चों कटुकमा। और पूंछ, इसका आएगा बच्चों पुच्छम। लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। ये बच्चों जो लाल रंग में लिखे हैं उत्तर, ये तद्भव शब्द है संस्कृत के। प्रश्न पांचवा है, अधो लिखितेषु वाक्येषु कृत पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में से कृत पद और क्रिया पदों को चयन करके लिखना है। बच्चों, सामने प्रश्न दे रखा है और उसके सामने हमें उत्तरों को छांट कर लिखना है। एक तो बच्चों में कर्ता ढूंढना है, दूसरा क्रिया। तो कर्ता होता है बच्चों काम करने वाला, और क्रिया होती है जो काम हम करते हैं। पहला है बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है, संत मधुर सुप्त रसम सृजंती। तो बच्चों, इसमें संत ये तो हो गया कर्ता, और सृजंती हो गया क्रिया। दूसरा है बच्चों, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः। तो बच्चों, यहाँ पर आएगा बच्चों दोषः। दोष आएगा बच्चों कर्ता, और क्रिया आएगा भवंती। तीसरा है बच्चों, नीचे उत्तर लिखे हुए, ठीक है, ख गुण गेशु गुणः भवंती। तो बच्चों, इसमें गुना ये तो है कर्ता, और भवंती है क्रिया।
नेक्स्ट है बच्चों मधुमक्षिका माधुर्य जनयति, तो इसका जो बच्चों करता है वो है मधुमक्षिका और क्रिया है जनयेत। अगला है पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति, तो बच्चों इसमें मैत्री करता और नाशयति क्रिया। अगला है बच्चों नदा समुद्र मासाद अपेह भवंती, तो बच्चों इसमें नदा आएगा कर्ता और भवंती क्रिया। छठा प्रश्न है बच्चों रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो बच्चों हमें उत्तर दे रखा है, इसका हमें प्रश्न बनाना है, ठीक है। पहला है जैसे गुनाह गुण गेशु गुनाह भवंती, तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो इसका प्रश्न बनेगा के गुण गेशु गुना भवंती। दूसरा है बच्चों नदय सुस्वाद स्वादु तो यह भवंती, तो इसका प्रश्न बनेगा बच्चों का सुस्वादु तो यह भवंती। तीसरा बनाना है बच्चों में लुब्धस्य यशा नश्यन्ति, कस्य यशा नश्यन्ति, इसका प्रश्न बनेगा कस्य यशा नश्यन्ति। अगला है मधुमक्षिका माधुर्य मेव जनयति, तो ये बनेगा बच्चों इसका प्रश्न का माधुर्य मेव जनयति। तस्य मूर्धिन तिष्यन्ति वायसा, तो इसका प्रश्न बच्चों बनेगा तस्य कस्मिन या कुत्र, आप दोनों लगा सकते हो कस्मिना और कुत्र, बनेगा बच्चों प्रश्न तस्य कस्मिन या कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। प्रश्न सातवां है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरु, उदाहरण अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए। पहला है बच्चों समुद्र मासाद, इसका बच्चों पृथक हो जाएगा पद समुद्रम धन आसाद, तो इनको तोड़ना है बच्चों, ठीक है, समुद्रम घन धन आसाद। और दूसरा बच्चों हमें तोड़ना है माधुर्य मेव, तो इसको पदों में अलग अलग करना है, तो इसको बनाएंगे बच्चों माधुर्यम धन एव अल्पमेव, ये बनेगा बच्चों अल्पम धन एव सर्वमेव, तो ये बन जाएगा बच्चों सर्वम धन एव दैवमेव दैवम धन एव। अगला बच्चों बनेगा महात्मम नाम उक्ति, ये बन जाएगा बच्चों महात्म नाम धन उक्ति। लास्ट बनेगा बच्चों विपदा मादावेव, तो ये बनेगा बच्चों इसको तीन पदों में बांटना है हमें विपदाम धन आदो धन एव, तो ये बच्चों इस तरह से आपको इनको पृथक पृथक करने करके लिखना था। तो बच्चों आपके जो इस पाठ के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर थे वो यहीं कंप्लीट होते हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में कीजिएगा और इनको याद भी कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, और मेरी तरफ से बच्चों आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।